गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जनरल नॉलेज। आवर टॉपिक इज बाय द रिवर्स। बाय द रिवर्स मतलब नदियों के द्वारा। मैनी सिटीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर्स। नेम द रिवर दैट फ्लोस बाय देम। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। मतलब भारत के कई शहर नदियों के किनारे पर स्थित है, उनके द्वारा बहने वाले नदियों का नाम के बारे में आज हम इस बाय द रिवर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इस नीचे दिए गए बॉक्स में सारे नदियों का नाम दिया गया है। हमें उस शहर का नाम देख के कौन सी नदी किस शहर से गया है, इस हेल्प बॉक्स के ऑप्शन के थ्रू उस नदी का नाम उस शहर के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। तो देखिए, नंबर वन पर है आगरा। आगरा शहर पर यमुना नदी गया है, तो हम इस आगरा के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में यमुना लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर टू पर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली शहर से यमुना नदी गया है, तो हम इस न्यू दिल्ली के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में यमुना लिखेंगे। नंबर थ्री पर है वाराणसी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाराणसी का है, तो इसके नीचे जो है नदी उसका नाम है गंगा, तो वाराणसी के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में हम गंगा लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर फोर पर है कोलकाता। ये है कोलकाता का पिक्चर, तो कोलकाता में कौन सी नदी गई है, हुगली, तो हम कोलकाता के नीचे दिए ब्लैंक्स में हुगली लिखेंगे। नंबर फाइव पर है लखनऊ। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये लखनऊ का है, इसमें गोमती नदी गई है, तो हम लखनऊ के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में गोमती लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर सिक्स पर है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सी नदी गई है, चंबल, तो हम ग्वालियर के नीचे दिए गए बॉक्स में चंबल लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर सेवन पर है गुवाहाटी। गुवाहाटी का ये पिक्चर है, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गई है, तो इसीलिए हम गुवाहाटी के नीचे दिए ब्लैंक्स में ब्रह्मपुत्र लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर एट पर है नास्तिक। ये है नास्तिक का पिक्चर। नास्तिक में गोदावरी नदी स्थित है, तो हम इस नास्तिक के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में गोदावरी लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर नाइन पर है अहमदाबाद। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है अहमदाबाद का। अहमदाबाद में साबरमती नदी गई है, तो इस नंबर नाइन के नीचे दिए गए ब्लैंक्स में हम साबरमती लिखेंगे। उसके बाद देखिए, थिंक एंड आंसर। व्हेन ए रिवर ओवरफ्लोस बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, स्पेशली ओवर व्हाट इज नॉर्मली ड्राई लैंड, इट कॉजेस फ्लड। आंसर इज फ्लड। इसका मतलब है, जब एक नदी अपनी सीमा से आगे निकल जाती है, विशेष रूप से उस पर जो आमतौर पर सूखी भूमि होती है, तो वहाँ पर बाढ़ का कारण बनती है। तो ये था आज का चैप्टर बाय द रिवर्स। आज का आपका होमवर्क है ये सारे पिक्चर को पहचानना और उस शहर का नाम रीड करना और इस हेल्प बॉक्स के थ्रू कौन से शहर में कौन सी नदी गई है इस ब्लैंक्स में लिख के मेरे को दिखाना। आज के लिए आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।